वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑन इक्वेशन ऑफ प्लेन को सोल्व करेंगे, ठीक है। अब न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके का हो सकता है, जैसे डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है ना। और जैसे इक्वेशन ऑफ प्लेन वर्ड दिखते ही सबसे पहले दिमाग में आनी चाहिए ये बात, जनरल फॉर्म, ठीक है ना। और क्या होती है जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ प्लेन की, कुछ इस तरीके से, सही बात है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड डी के बराबर, ठीक है ना। तो इस तरीके से बस यहाँ पर इन सभी चीजों का मतलब पता होना चाहिए कि इस तरीके की फॉर्म लिखी हुई हो प्लेन पर, इस चीज का मतलब होता है प्लेन पर एक्स वाई जेड का मतलब है कि कोई जनरल पॉइंट है एक्स वाई जेड, ठीक है। और ये ए बी सी क्या है, प्लेन के कोई परपेंडिकुलर लाइन है उसके डायरेक्शन रेशो है ए बी सी, सही बात है। और डी क्या है, फिर डी कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू है, सही बात है ना, ठीक है। तो अब जैसे अब इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखनी है, मतलब इस तरीके का रिजल्ट आएगा, कब, जब कार्टेशियन फॉर्म डिफाइन करोगे, ठीक है ना, मतलब पॉइंट के क्रम में डिफाइन करोगे रिजल्ट को, सही बात है। अब विच पासिस थ्रू दी लाइन एंड दी पॉइंट, सही बात है। अब इस टाइप के न्यूमेरिकल में थोड़ा सोचना है, जैसे किस तरीके से, अब जैसे एक इस तरीके से ज्योमेट्री समझो, प्लेन क्या है, कोई सरफेस, कोई भी टू डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये प्लेन है, सही बात है। अब प्लेन सबसे पहले तो इस पॉइंट से पास आउट हो रहा है, सही बात है। तो ये एक तरीके से ये पॉइंट इसी प्लेन पर हो जाएगा, ये बात पहले भी डिस्कस हो चुकी है, जैसे ए नाम रख लिया इस पॉइंट का, सही बात है ना। ये इस प्लेन पर क्यों हो चुका है, क्योंकि जैसे ये प्लेन है, यहां पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से ये प्लेन पास आउट हो रहा है, जैसे ये बात एक लाइन की टर्म में समझी थी कि कोई लाइन है, जैसे स्ट्रेट लाइन है, वो अगर किसी पॉइंट से पास आउट हो रही है और लाइन दोनों साइड में इंक्रीज होती है, सही बात है। तो उस चीज का मतलब, जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन शुरू में कुछ इस तरीके से, कोई भी वैल्यू, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन, सही बात है, ठीक है ना। तो अब ये पॉइंट एक तरीके से इसी लाइन पर तो है, तो मतलब सेम इक्वेशन रहेगी, सही बात है। तो इस पॉइंट के लिए यही इक्वेशन रहेगी, सही बात है। तो सेम बात यहां पर, इस तरीके समझ लो इस चीज को कि प्लेन शुरू में यहां तक था, सही बात है, प्लेन बनना है इनफाइनाइट लाइनों को मिलाकर, सही बात है, इनफाइनाइट लाइन और इनफाइनाइट पॉइंटों को मिलाकर, सही बात है। तो ये बात भी कह सकते हो कि मतलब यहां पर ये लाइन कुछ इस तरीके से थी, कोई भी पैटर्न, सही बात है, एक लाइन इस पर्टिकुलर लाइन के लिए ये बात डिफाइन कर दो, सही बात है ना। तो इस वजह से जो प्लेन है वो होता टू डायमेंशनल है, सही बात है। लेकिन एक बात याद रखना, जो ये प्लेन है ना, हमेशा दोनों साइड एक्सटेंड होगा जैसे लाइन होती है, ठीक है ना, क्योंकि प्लेन बनना इन चीजों से, सेम बात स्पेस की होती है, स्पेस बनता प्लेन मिलाकर है, मतलब स्पेस के अंदर इनफाइनाइट प्लेन होंगे, इनफाइनाइट लाइन होंगी, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, सही बात है। ये चीजें पहले सीख चुके हैं, ठीक है ना, इस वजह से। तो सेम बात यहां पर होगी कि स्पेस भी दोनों साइड एक्सटेंड होगा, सही बात है, दोनों साइड नहीं जितनी भी साइड हो। अब लाइन तो सिर्फ एक थोड़ी ना, इसके हिसाब से, इस पर्टिकुलर लाइन के हिसाब से तो ये चीज सही है, इस लाइन के हिसाब से ये हो जाएंगी, जितनी भी साइड हो, जितनी भी लाइन हो, तो एक तरीके से इनफाइनाइट साइड कह सकते हो, ठीक है, और या फिर कह दो इनफाइनाइट डायरेक्शन, ठीक है। तो अब जैसे ये प्लेन किसी पॉइंट से पास आउट हो रहा है, अब एक चीज हमने सीखी थी कि इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखनी, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो किसी पॉइंट से पास आउट होती हो, जैसे ये पॉइंट है यहां पर, ठीक है, और किसी पॉइंट से पास आउट होती थी, उसमें कुछ इस तरीके का रिजल्ट था, अगर याद हो, x माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन जीरो के बराबर, सही बात है। मतलब इसी फॉर्म को रीअरेंज कर रखा, मतलब ये d जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है ना, वो यहां से डिटरमाइन हुई है, ठीक है ना, डिफाइन हुई है, ठीक है। तो मतलब माइनस ए एक्स वन इस साइड, माइनस बी वाई वन, माइनस सी जेड वन, सी जेड वन की जो टर्म है वो राइट हैंड साइड गई है, सही बात है, जो एक्चुअल में डी यहां से आता है। तो हमें मतलब है कि जहां पर कोई प्लेन किसी पॉइंट से पास आउट हो, मतलब पासिंग पॉइंट क्या है इस इक्वेशन के अंदर, एक्स वन वाई वन जेड वन, ये कंसेप्ट पहले सीखा था, इक्वेशन ऑफ प्लेन जब कोई एक पासिंग पॉइंट हो, सही बात है। तो इस रिजल्ट का यूज कर लो किस तरीके से, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है ना, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन किस तरीके से, ए इंटू एक्स माइनस पासिंग पॉइंट है, पुट कर लो, एक माइनस फॉर्मूले वाला एक यहां पर है, प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन, ठीक है, प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन, कितना, टू है, जीरो, सही बात है। तो एक तरीके से यही रिजल्ट है, लेकिन लेकिन जब ए बी सी की वैल्यू आ जाए, सही बात है, तो यहां से इक्वेशन ऑफ प्लेन का रिजल्ट आ जाएगा, इतनी बात सही है। अब मेन काम क्या है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी, सही बात है। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन पढ़ो कि जो प्लेन है वो एक लाइन से भी पास आउट हो रही है, जो प्लेन है लाइन से भी पास आउट हो रहा है, जैसे
तो इस चीज को इस तरीके समझ लो कि शुरू में प्लेन यहां तक था, कोई लाइन है इस तरीके से कह दो, सही बात है। तो एक तरीके से ये लाइन इसी प्लेन पर का काम करेगी, सही बात है। इतनी जो ये जिस लाइन की बात हो रही है वो एक तरीके से इस प्लेन पर हो जाएगी। जैसे कोई प्लेन है इस तरीके से, सरफेस है, यहां पर कोई लाइन है इस तरीके से, ज्योमेट्री रख लो, सही बात है। तो एक तरीके से जो ये लाइन है एक तरीके से प्लेन पर ही नहीं हो जाएगी, सही बात है। वो इन बातों से डिफाइन कर सकते हो, सही बात है, ठीक है ना। तो इस चीज का मतलब जो लाइन है, लाइन पर एक वर्ड एक बात दी हुई है, पासिंग पॉइंट, लाइन का तो पासिंग पॉइंट दिया हुआ ना, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट है। लाइन की इक्वेशन ये रही, पासिंग पॉइंट की का मतलब है जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन की बात कर रहे हो कुछ इस तरीके से, सही बात है, ठीक ना। जेड माइनस जेड वन बाई सी, और यहां पर जैसे एबीसी पहले यूज हो चुके प्लेन के लिए, तो यहां पर कोई और वैल्यू मान लो, चलो एलएमएन मान लिए, ठीक है। लेकिन यहां पर ये मत कह देना फिर एलएमएन है जो डायरेक्शन कोसाइन है, वो चीज कहना गलत है, ठीक है। तो एबीसी का मतलब होता है डायरेक्शन रेशो, मतलब डिवाइड में डायरेक्शन रेशो लिखे हुए हैं, सीधी सी बात तो ये है, ठीक है। तो अब जैसे इस चीज का मतलब यहां पर जो इस इक्वेशन ऑफ लाइन के अंदर पासिंग पॉइंट क्या है, कहने का ये मतलब था। तो पासिंग पॉइंट है, ठीक है ना, बस यहां से x माइनस x1, माइनस साइन को छोड़ के अपनी अपनी एक्सिस पर, तो मतलब पासिंग पॉइंट मतलब चलो बी पॉइंट मान लिया लाइन पर है, ठीक है ना, 3 माइनस साइन को छोड़ के ऊपर। और उस चीज से पहले ये बात हमेशा चेक करनी पड़ेगी कि कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई जेड तीनों के +1 हो, जैसे यहां पर होते, तो सेम बात यहां पर, ठीक है। तो इस वजह से डायरेक्ट लिख रहे हैं हम पासिंग पॉइंट, ठीक है। और कभी ये कंडीशन ना हो तो पहले +1 बनाओ, ठीक है। तो बस यहां पर माइनस साइन को छोड़ के +2 है, तो क्या हो जाएगा -2, ठीक है। और यहां पर माइनस साइन को छोड़ के 4, तो ये बी पॉइंट लाइन का था, इतनी बात सही है। अब ये बी पॉइंट लाइन पर भी है और लाइन प्लेन पर है, तो इस बात का मतलब जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट लाई कर रहा है लाइन पर, ठीक है ना, गिवन लाइन। इस तरीके से ये बातें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब ये इस तरीके की ज्योमेट्री थोड़ी इनसे करोगे, सही बात है कि इक्वेशन ऑफ लाइन ये रही जिसका पासिंग पॉइंट बी पॉइंट है, कुछ जिसके कोऑर्डिनेट इस तरीके से निकाल ले, सही बात है। इसके बाद ये बी लाई कर रहा लाइन पर भी, प्लेन पर भी, रिक्वायर्ड प्लेन पर। तो इस बात का मतलब कोई पॉइंट किसी प्लेन पर हो तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, प्लेन ये रहा तो इक्वेशन में पुट कर दो कहां पर, एक्स वाई जेड की जगह, सही बात है। प्लेन का तो जो जनरल पॉइंट है वो एक्स वाई जेड है, सही बात है। तो बस ये वैल्यू पुट कर दो, क्या रिजल्ट आ जाएगा, ए इंटू एक्स की जगह पुट करना 3, तो 3 + 6, सही बात है, +b, ठीक है ना, बी एज इट इज, वाई की जगह क्या पुट करोगे -2, तो -2 - 3, इस तरीके से कैलकुलेशन। सी इंटू जेड की जगह क्या पुट करोगे 4, तो 4 माइनस, ठीक है ना, जो भी वैल्यू हो, ठीक है। तो 4 - 2, तो जैसे यहां पर 2 था, तो इस तरीके से 0 के बराबर एक इक्वेशन आ चुकी है। जो मेन काम क्या है, ये है रिजल्ट, यहां पर ए बी सी की वैल्यू निकालना। तो इस बात का मतलब है लेट के यहां पर डायरेक्शन रेशो ऑफ डायरेक्ट प्लेन के भी कह सकते हो कि ए बी सी है, ठीक है ना, कि मतलब मैं बताऊं नीचे किसी लाइन है जो प्लेन के परपेंडिकुलर, उसके डायरेक्शन रेशो है ए बी सी, या फिर डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। तो मतलब जो वैल्यू, जो चीज लेट की उनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सही बात है। तो मतलब ए बी सी निकालने हैं, और ये बातें पहले डिस्कस हो चुकी है कि जब 3 वेरिएबल हो नॉर्मली 2 इक्वेशन की बात होती है, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड या फिर 23-12 अप्लाई होगा, सही बात है। तो अब इसके लिए 2 इक्वेशन होनी चाहिए 23-12 के लिए, सही बात है तो अभी एक, तो एक और होनी चाहिए। अब इसके बाद थोड़ा सोचना है, जैसे इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में एक बात लेके चलनी पड़ेगी, और वो है कुछ इस तरीके से कि इफ, मतलब ये कंडीशन लेट कर सकते हो या फिर इफ वर्ड लिखो, ठीक है ना, कि जो लाइन है, अभी ये इस न्यूमेरिकल की मेन बात यहां से शुरू होगी, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब ज्योमेट्री किस तरीके से थी, कोई प्लेन है कोई लाइन है, या फिर कह दो एक तरीके से इसी पर है, इतनी बात सही थी, ठीक है ना। लेकिन अब जो ये, जैसे ये लाइन है, अब एक केस लेके चलेंगे यहां पर कि जो ये गिवन लाइन है ना, गिवन लाइन है पर यहां पर सबसे पहले तो पैरेलल है प्लेन के, ठीक है ना, ये कंडीशन हम लेट करके चलने चलेंगे यहां पर, ठीक है ना। अब क्यों लेट करेंगे उसकी भी बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले कि जैसे मान लो कि ये लाइन प्लेन के पैरेलल है, और एक चीज पहले डिस्कस हुई थी, अगर प्लेन के पैरेलल है, सही बात है, गिवन लाइन, तो इस चीज का मतलब कि जो गिवन लाइन है, सही बात है, प्लेन के तो पैरेलल है, जैसे इस तरीके से ज्योमेट्री शो कर सकते हो, सही बात है। और जो ये प्लेन है, जैसे जैसे ये सरफेस है प्लेन है, तो इसका एन वेक्टर तो यहां पर है, एन वेक्टर तो प्लेन का तो यहां पर होगा जिससे ए बी सी आएंगे,
सही बात है। तो मतलब जो परपेंडिकुलर लाइन जहां से डायरेक्शन रेशियो मिलते हैं, सही बात है, ये प्लेन है, प्लेन के पैरेलल एक लाइन है, तो इनके बीच में भी तो 90 डिग्री एंगल है, सही बात है। तो मतलब यहां पर जो गिवन लाइन है परपेंडिकुलर होगी किसके, प्लेन के, जो नॉर्मल टू प्लेन है, सही बात है, नॉर्मल टू प्लेन की होगी, मतलब जो नॉर्मल प्लेन का कोई नॉर्मल एक लाइन होती है, बातें हमें बताऊं, सही बात है, उसके साथ परपेंडिकुलर होगी। और एक बात पहले डिस्कस हुई थी कि जब परपेंडिकुलर वर्ड नजर आए तब ये बात दिमाग में आनी चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई जीरो होगी, सही बात है, ठीक है ना, डायरेक्शन रेशो की, डायरेक्शन रेशो की ये कह दो डॉट प्रोडक्ट, तब भी बात ठीक है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई कौन सी, डॉट प्रोडक्ट वाली, इस वजह से, ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू जीरो के बराबर, सही बात है। मतलब दो लाइनों के डायरेक्शन रेशो चाहिए, दो लाइनों के डायरेक्शन रेशो चाहिए। अब एक तो है एन वेक्टर, इस केस में नॉर्मल का मतलब है एन वेक्टर, ये है, यहां से आई है ये बात है, ये जो लिखी यहां से, एक तो गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशो होने चाहिए, एक नॉर्मल के, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो एबीसी है, इतनी बात सही है, प्लेन के जो नॉर्मल है वही तो है एबीसी, तो मतलब एक तो डायरेक्शन रेशो हो चुके एबीसी, इतनी बात सही। उसके बाद एक इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशो जो डिवाइड में होती है, सही बात है, डिवाइड में जो चीजें, और कब, ये कंडीशन पहले चेक करनी है, चलो यहां पर जैसे डायरेक्ट प्लस वन दिए हुए हैं, तो मतलब इस लाइन के डायरेक्शन रेशो क्या है, 2 9 और माइनस वन, सही बात है, इस तरीके से जो भी वैल्यू हो, सही बात है। इसके बाद अब यहां पर तो अब ये चीज अप्लाई कर दे कि डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई जीरो होगी, ठीक है, मतलब ए वन इंटू ए टू, मतलब अपनी अपनी एक्सिस पर मल्टीप्लाई ए इंटू टू, ठीक है, प्लस का साइन, फिर बी इंटू नाइन हो जाएगा, सही बात है, और एक बार सी इंटू माइनस वन तो माइनस सी हो जाएगा, और यहां पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इस केस पर, ठीक है, जीरो, एक ये इक्वेशन आ चुकी सेकंड, इतनी बात सही है। इसके बाद अप्लाई कर देना 23 12, इस तरीके के न्यूमेरिकल्स पहले सोल्व कर चुके हैं कि 23 12 अप्लाई किया एबीसी की वैल्यू आ जाएगी, यहां पर पुट कर देना रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, हम कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट को समझना चाहते कि ये चीज क्यों हुई, ठीक है। अब एक बात बताऊ, सिंपल सा क्वेश्चन है, अब एक बात बताओ, क्या लिखा हमने कि पैरेलल है प्लेन के, सही बात है। अब एक चीज सोच के बताओ, यहां पर कंडीशन क्या दी हुई थी कि प्लेन पासिंग थ्रू, जैसे इस तरीके का प्लेन है, जैसे प्लेन सरफेस है, एक लाइन यहां पर इस लाइन से पास आउट हो रहा है प्लेन, इतनी बात सही है कि एक तरीके से यहां पर क्या कही ये बात है कि जो लाइन है प्लेन के ऊपर है, मतलब पॉइंट प्लेन पर भी होगा और उसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, एक कंडीशन तो यहां से आई, सही बात है। दूसरी कंडीशन में क्या करें कि जो लाइन है वो प्लेन के पैरेलल है, सोच के देखो, यहां पर वो लाइन प्लेन के पैरेलल है, इस बात का मतलब पता है क्या है, एक प्लेन बनना है, कोई भी पैटर्न हो सकता है इन लाइनों का, हमें उससे मतलब नहीं, सही बात है। तो यहां पर अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक प्लेन है, उसके एक इस प्लेन के एक पैर, जैसे एक लाइन है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, एक लाइन है, एक लाइन के पैरेलल लाइन ड्रा करके बताओ, ये है कोई, ये है, कभी भी नहीं मिलनी चाहिए इनफाइनाइट डिस्टेंस तक दोनों साइड, यही थी पैरेलल लाइन की कंडीशन, इतनी बात सही है। इस केस में एक पैरेलल लाइन ड्रा करके बताओ, प्लेन के एक पैरेलल लाइन ड्रा करके बताओगे तो क्या होगी, ये कह सकते हो, सोच के बताओ, इस प्लेन के ये थोड़ी ना कहोगे, ज्योमेट्री ये है प्लेन के, ये होगी इस तरीके से, सही बात है, इस प्लेन के ये होगी, या फिर इस प्लेन के पैरेलल ये भी होगी, सही बात है। अब यहां पर कंफ्यूजन होगा किस तरीके से, कि जो प्लेन है ना, जब एक बात याद रखनी, जब भी ये पैरेलल की बात आई ना, हमेशा प्लेन के केस में ना दो प्लेन लेके चलो, तब ये बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना, दो पैरेलल प्लेन लेके चलो, एक्चुअल में ये बात होती है, दो पैरेलल प्लेन, इस चीज का ये मतलब, जैसे एक लाइन है, जैसे एक ये प्लेन है और इस तरीके से पैरेलल कहोगे, एक तरीके से ये बात तो है सही, लेकिन एक तरीके से एक ही प्लेन की बात हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इस पर, इस प्लेन की ये इनफाइनाइट लाइन है, वो मतलब एक्सटेंड हो जाएंगी, उसी प्लेन की बात हो जाएगी इस केस में, और इस केस में ये पैरेलल है, सही बात है, इसमें थोड़ी ना होगा, ये जो लाइन है इस प्लेन के ऊपर थोड़ी ना होगा, दो प्लेन इस तरीके से, दो प्लेन पैरेलल हो जाएंगे, सही बात है। तो एक्चुअल में ये चीज होती है, ठीक है। तो अब एक ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद ये एक बार तो यूज हुई कि ये लाइन प्लेन के ऊपर, जैसे इस तरीके से, सही बात है, एक लाइन जैसे ये पेन रिप्रेजेंट कर रहा है एक लाइन को प्लेन के ऊपर है, एक बार यूज हो रहा है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, अलग बात है ना, एक ही केस पॉसिबल होगा,
या तो ये लाइन इसके ऊपर होगी या इसके पैरेलल कुछ इस तरीके से होगी। सही बात है, लेकिन यहाँ पर दोनों चीजें पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जब लाइन की बात आई ना, तब होती ये बातें वेक्टर से डिफाइन कर सकते हो। वेक्टर का दूसरा नाम था डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, मतलब लाइन का छोटा हिस्सा जिसके पास डायरेक्शन हो। और वेक्टर के केस में जैसे ये लाइन एक रिप्रेजेंट कर रही है वेक्टर, ठीक है, और मतलब वेक्टर कब बनेगा, मतलब जब सेगमेंट हो, सेगमेंट का मतलब पार्ट, मतलब दो फिक्स्ड पॉइंट हो। सही बात है, तो मतलब जो ये लाइन है ना, जो ये वेक्टर एक तरीके से इसके ऊपर रख दिया, ये बात कह दो था पैरेलल उसके ऊपर रख दिया, तब ये कंडीशन भी मिल जाएगी, ये कंडीशन भी मिल जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद सिर्फ यही केस क्यों डिस्कस हुआ, सोचने की बात है, सिर्फ यही केस क्यों लेके चले। यहां पर ये बात भी कह सकते हो, लेट किया ये केस, ठीक है ना, कि पैरेलल ही है तभी आंसर मिलेगा इस टाइप के क्वेश्चन में। सही बात है, इस बात का कहने का मतलब पता है क्या, जैसे अब एक बात तो इस प्लेन की एक लाइन हमें मतलब था कि वो लाइन पास आउट हो रही है, वो इस तरीके का भी तो केस हो सकता है, पैरेलल ही तो पैरेलल तो हम लेके चले हैं ना। सही बात है, अगर इस तरीके का केस हो तो परपेंडिकुलर, तो उस केस में जो यहां पर पैरेलल केस लेके चले परपेंडिकुलर की कंडीशन आई, और उल्टा करोगे तो कोई लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर माननी और इसी डायरेक्शन में इसका एन वेक्टर है, तो एन वेक्टर और जो लाइन है वो पैरेलल हो जाएंगी, और दो चीजें पैरेलल हो उनकी डायरेक्शन रेशो की रेशो याद हो तो बराबर होती है। मतलब ये फॉर्मूला नहीं सीखा था ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू किसके बराबर, सी वन बाई सी टू और किसी कॉन्स्टेंट के बराबर। अगर ये केस लेके चले एक नया कॉन्स्टेंट डिराइव हो जाएगा लैम्डा। सही बात है, हमें पहले से ही तीन है, सही बात है, पहले से हमारे पास तीन वेरिएबल है, लैम्डा यहां पर वेरिएबल का काम करेगा, हमें थोड़ी ना पता वो एन वेक्टर और जो ये लाइन है किस तरीके से मल्टीपल में, जैसे इस तरीके से वो लैम्डा तो उसी मल्टीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सही बात है, तो ये केस लेने का लेके चलने का कोई फायदा है नहीं यहां पर, ठीक है। और इस चीज को सिंपली एक्चुअल में ये चीज याद रखो, सीधी सी बात है कि दो प्लेन पैरेलल हैं, जब ये लाइन के न्यूमेरिकल आए ना कि मतलब एक प्लेन एक लाइन है और पैरेलल की कंडीशन हो, तो ये बात को एक्चुअल में कि दो प्लेन पैरेलल हैं, फिर अपने आप सारी बातें डिराइव हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से तो यहां पर ये केस हम लेके चल नहीं सकते। सही बात है, और ये भी नहीं है कि मतलब ये लाइन है किस प्लेन पर होगी, जैसे कि इस वेक्टर को उठा के इस पर थोड़ी ना रख सकते हो, इस पर रखा था कुछ इस तरीके से होना चाहिए था, इस प्लेन पर कुछ इस तरीके से। सही बात है, तो इसका मतलब है कोई दूसरा प्लेन पैरेलल है, तो इस वजह से ये बात यहां से डिफाइन डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बस इसके बाद कैलकुलेशन है टोटली कि दो इक्वेशन चाहिए थी हमें, थोड़ा सोचा ना इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में कि होनी चाहिए दो कंडीशन थी, है कितनी एक, इस ये कंडीशन तो पहले यूज हो चुकी है तीन वेरिएबल की टर्म में ए बी सी। सही बात है, ये इस कंडीशन का कोई फायदा नहीं, ए बी सी निकालने के लिए दो कंडीशन और चाहिए, है कितनी सिर्फ एक, तो इस एक का ही दो बार यूज करना है, इस एक कंडीशन का दो बार यूज करना है, थोड़ा सोचना किस तरीके से होगा, ठीक है। तो बस दो इक्वेशन आई, इसके बाद 23 बार या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई कर दो, पहले मतलब कुछ न्यूमेरिकल्स में ये मेथड डिस्कस हो चुका है, तो वहां से भी सीख सकते हो कि ये 23 बार किस तरीके से अप्लाई होता है। बस कहने का मतलब क्या है, एबीसी की वैल्यू निकाल लेना, पुट कर देना, आंसर आ जाएगा इस तरीके का, बस जो भी आंसर आए, ठीक है ना, इस तरीके से रिजल्ट निकालना। बस ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट क्यों है कि सिर्फ एक कंडीशन से दो कंडीशन कैसे डिराइव होती है, ठीक है, और यहां पर सिर्फ यही केस होना चाहिए तब है ये बात, ठीक है ना। अगर इस तरीके के केस हुए परपेंडिकुलर या फिर मतलब जो लाइन है इस तरीके किसी एंगल पर है, फिर नहीं होंगी ये बातें, ठीक है, क्यों, फिर वो इस प्लेन पर नहीं एग्जिस्ट करेंगी, फिर वहां पर इंटरसेक्शन वाली बात आ जाएगी, जैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के न्यूमेरिकल सोल्व किए थे, ठीक है ना, फिर वो उस टाइप की बातें आ जाएंगी, ठीक है। तो उस केस में मतलब इस तरीके केस बन जाएंगे कि जो ये पर्टिकुलर वेक्टर है लाइन का वो इस प्लेन पर नहीं होगा, ठीक है, या फिर कह दो कि ये किसी पॉइंट पर कट करेंगे, फिर दूसरी कंडीशन आ जाएंगी, उस केस में सिर्फ एक कंडीशन मिलेगी, ठीक है, हमें चाहिए थे दो कंडीशन सोल्व करने के लिए, या ये कह दो या फिर कहो कि ये केस लेके चले, ठीक है, बस इस तरीके से आगे कैलकुलेशन रहेगी, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू।